हेलो फ्रेंड्स, यूसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर प्लीज़ प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगर आप बैंकिंग या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको ढेर सारे यूजफुल वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में है। देखिए, धुआं क्या होता है? धुआं को बोलते हैं कुहासा। जो पॉल्यूशन होता है वो वाला धुआं नहीं, एक होता है कुहासा टाइप का। इसको हम धुआंधार जलप्रपात इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतनी ऊंचाई से गिरता है, जब ये धरातल से टक्कर खाता है इसका पानी, ठीक है, तो छोटी छोटी बूंदों से एक बड़ा सा फॉग बन जाता है, बहुत बड़ा एक धुआं सा क्रिएट हो जाता है। पता नहीं चलता कि ये अचानक से वाइट कलर का जो ये एटमॉस्फेयर बन चुका है किस रीजन से बना है, इतना वाइटनेस इसके गिरने से आ जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से डेनमार्क को जाना जाता है। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिसे जिससे होकर कर्क और मकर रेखाएं गुजरती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है आपसे कि कर्क और मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है, उसका नाम बताइए, उसका नाम है अफ्रीका। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। नेक्स्ट, सुलह एक कुल के सिद्धांत को जैनुल आबदीन ने प्रवर्तित किया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, किस क्रांति ने फेंका था, उसका नाम था रास बिहारी बोस। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1962 में घोषित किया गया था। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। गोदावरी नदी की बात कर रहा है, ये नदी काफी इंपॉर्टेंट नदी होती है, तो प्लीज़ इसको आप पेन डाउन करिएगा, ध्यान से लिखिएगा, हो सके तो इसको तुरंत अब याद कर लीजिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत सोमेश्वर की पहाड़ियां है। कराकोरम राजपथ पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। कौन सा राजपथ पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है वो आप याद रखिएगा, कराकोरम। लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम फुटसी है। भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड कारवार जो कर्नाटक में है। देश में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ 1877 में हुआ था। दूरदर्शन डीडी डायरेक्ट प्लस के फ्री टू एयर डीटीएच सेवा 16 दिसंबर 2004 को हुई थी। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है, जिसका नया नाम क्या है? मद्रास का नया नाम पड़ा था चेन्नई। लूनी लूनी एकमात्र केवल एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर गिरती है। केवल एक नदी कौन सी है जो कच्छ के रण में जाकर गिरती है, या फिर लूनी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, तो उसका नाम बताइए। तो एग्जाम में लैंग्वेज कुछ भी चेंज करे आपके क्वेश्चंस के, तो आपको हर एक आंसर काफी तरीके से याद होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है। कॉन्फिडेंट हूँ कि वो किसी भी तरह से क्वेश्चंस प्रेजेंट करेगा क्वेश्चन पेपर पे, या फिर ऑनलाइन जो हम एग्जाम दे रहे हैं डिस्प्ले पे, चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन सबको क्यों ना दें, हमने पूरा तरीके से हमको पढ़ा हुआ होना चाहिए कि हाँ जैसे पूछेगा बता के आएंगे, डैम श्योर वापस आएंगे, तो उस नंबर का हम लोग 1 मार्क्स जरूर ऐड करेंगे विद श्योरिटी के साथ कि इसका आंसर हमारा राइट है। ये सब होता है प्रयास से। इस वीडियो को प्लीज एक बार और वॉच करिएगा, ठीक है। भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के काल में हुआ था। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। परमाणु कार्यक्रमों का पिता की बात कर रहा है, हाईलाइट कर रखा है, ध्यान रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? 2 जून 1990 को। भारत में कागज का आगमन 13वीं सदी में हुआ था, और कागज का सर्वप्रथम जो विकास हुआ था वो हुआ था चीन में। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यूएनडीपी का पुराना नाम
सॉरी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रथम रेल अधिनियम 1890 में निर्मित हुआ था। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी सर्वप्रथम 26 जनवरी 1966 को भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। देखिए हमने अभी क्वेश्चन देखा था, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। डेज को लेकर के कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, युवा दिवस कब मनाया जाता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम में बढ़ रहा है। कभी कभी एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा पूछेगा, कभी कभी यूपीएससी एग्जाम में दो दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए डेज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित एक वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी याद है तो वो आप वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। कुछ नया पढ़िए, कुछ नया करिए, आगे बढ़िए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी जन्म दिवस होता है। कबीर का जन्म लहरतारा काशी में हुआ था। कबीर की मृत्यु मगहर जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर हुई थी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में पुणे नगर में की गई थी। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर शहर की कैपिटल क्या है, वहां की कैपिटल है, राजधानी है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद झेलम और नीलम नदी के तट पर अवस्थित है। मुजफ्फराबाद किस की राजधानी है, यह है पीओके की, और ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, झेलम और नीलम। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। मुगल गार्डन जो है दिल्ली में है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन भी कहाँ पर है, दिल्ली में है। 1952 में परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश भारत था। मध्य पूर्वी एशियाई देश सीरिया की राजधानी दमिश्क है। संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। 28 जनवरी 1953 को स्थापित भारतीय संगीत नाटक अकादमी के प्रथम चेयरमैन डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार थे। तत्वबोधिनी तथा संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय हैं। पिंजर लेखिका अमृता प्रीतम की कृति है। सुमन बाला का संबंध महिला हॉकी टीम से है। भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार 1980 ईस्वी में जीता था। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन है। कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत में कुल 5 समाचार एजेंसियां हैं, टोटल 5 समाचार एजेंसी केवल भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट को किसने प्रस्तुत करा था और कब करा था। प्रथम रेल बजट, देखिए बजट को जो अभी बजट आया है उससे संबंधित कुछ चेंजेस आए हैं। कौन से बजट में कितना बजट किसके लिए रखा गया है, खेल के लिए कितना बजट रखा गया है, रेल के लिए कितना बजट रखा गया है, दोनों को इस बार कंबाइंड करके प्रस्तुत करा गया बजट को। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है, आपको शायद पता होगी क्योंकि बजट को आए हुए बहुत अब समय हो चुका है, अगर आप इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता ना, तो इस चैनल पे सच में रियल में मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत सारी यूजफुल वीडियो मिलेंगी। आप एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है ना। मैं कोई अपने वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चाहे तो आप इस चैनल को अभी क्लोज कर सकते हैं, कुछ नया सर्च कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप अलग से कोई चीज़ों को सर्च करते हैं तो कई टाइम लग जाता है। अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ मिल जाती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, अच्छी है, काफ़ी यूजफुल है, तो उस प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करना शायद आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, आपको जो बेस्ट लगता हो वैसे करिएगा, कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। केरल। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल थे। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 3 जून से 14 जून के मध्य 1992 में डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट है जो कहाँ पर है, कंबोडिया में। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन तथा थाईलैंड का स्वर्ण भूमि था, ठीक है। श्रीलंका का जो ओल्ड नेम था वो क्या था, सिलोन था, और थाईलैंड का जो पुराना नाम क्या था, स्वर्ण भूमि। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून के मसूरी में स्थित है।
वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि वर्ष 1973 में असम की राजधानी शिलोंग से जयपुर बना दिया गया था। भारत में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम राज्य की राजभाषा अंग्रेजी थी। अत्योदय कार्यक्रम का आरंभ दिसंबर 2000 में हुआ था। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट भारत में पटियाला, जो है पंजाब में, कलकत्ता और बेंगलुरु में स्थित है। केंद्र सरकार ने 5 जून सन 2004 से सभी सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। बच्चों आप एक काम करिए, अब फिलहाल पेन पेपर उठा लीजिए, क्योंकि अब समय आ चुका है पेन पेपर उठाने का। अगर आपने अब तक नोटबुक नहीं रखी है अपने पास में, तो प्लीज़ उठाइए, क्योंकि अब मैं आपको लिखवाने वाला हूँ कुछ डेज। मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मुझे ये भी लगता है कि आप शायद डेज आपको याद अगर नहीं होंगे, तो प्लीज़ ये सभी डेज आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाले हैं। प्लीज़ लिखिए डेज। पहला जो डेज आएगा, हम शुरू करते हैं थोड़ा सा जनवरी से। जनवरी में बहुत सारे डेज आते हैं, बट इम्पॉर्टेंट जो डेज है वो है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को। फिर मैं बात करता हूँ आपसे मार्च की, ठीक है, कम लिखवाऊंगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूँ, बस जो को पता होना चाहिए, जो स्टेटिक जीके के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 22 मार्च को आता है जल दिवस, 22 अप्रैल को, 22 मार्च के बाद आया अप्रैल सीधे, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। उसके बाद किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। बस इतना लिखिए, बढ़ते हैं अब मैं अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। 195 डेज। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में भर्ती के लिए भारत में पहली बार जो एग्जाम हुआ वो किस टाइम कंडक्ट हुआ? ये हुआ जुलाई 1947 में। राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान। हेलमुट कोल जर्मनी का चांसलर था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 18 फरवरी 1965 को शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में 1957 में स्थापित किया गया था। भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त को सर्वप्रथम पद्मश्री की अलंकरण से सम्मानित किया गया था। विश्व की प्रथम नोबेल साहित्य की अश्वेत विजेता अमरीकी मूल की टोनी मॉरिसिन है। अगला क्वेश्चन, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। बहुत अच्छा वर्ड है ये, जो कथन दिया था किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण अडवाणी की यह आत्मकथा है। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 को घोषित की गई थी। प्रथम जनसंख्या नीति की बात कर रहा है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि इंडिया में, भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब से लागू हुई थी, ठीक है, या कब से स्टार्ट हुई थी, कब से घोषित हुई थी, तो आप डेट को याद रखिएगा 1976। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में योजना आयोग द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट, बादामी का संबंध मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि से है। पृथ्वी दिवस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।